कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ऐसे यूज कर सकते हैं कि जैसे किसी भी कंडीशन के ऊपर फॉर्मेट चेंज करें। फॉर एग्जांपल देखिए, अभी अगर मैं इस की को सेलेक्ट करके यहाँ पे येलो कर दूँ, अब चाहे मैं यहाँ पे ए लूँ, यहाँ पे एल लूँ, ये क्या रहने वाला है, येलो ही रहने वाला है, कोई इसके फॉर्मेट पे चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं एक इस तरह का डिफाइन करूँ फॉर्मेट के, जब मैं पी चूज करूँ तो जिस सेल में भी चूज करूँ वो ग्रीन हो जाए, ए चूज करूँ तो जिस सेल पर भी चूज करूँ वो रेड हो जाए, और एल यू चूज करूँ तो जिस सेल पर भी चूज करूँ वो येलो हो जाए। इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ से जिस एरिया पे हमें ये अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से जाके होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे और हाईलाइट सेल रूल्स पर क्लिक करेंगे। हाईलाइट सेल रूल्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें डिफरेंट रूल्स मिलेंगे, जैसे कि टेक्स्ट दैट कंटेंट और दूसरा है इक्वल टू। तो यहाँ पर हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, सपोज टू बी इक्वल टू का रूल अप्लाई करते हैं, और यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर इस सेल में वैल्यू इक्वल टू कैपिटल पी या स्मॉल पी के बराबर है तो इस सेल का जो रिजल्ट है वो हो जाना चाहिए ग्रीन। यू कैन सी दैट के सारे सेल्स इस जो बाउंड्री मैंने सेलेक्ट करी उससे ग्रीन हो गए। अगेन अप्लाई करेंगे इसको इक्वल टू, सिमिलरली ए का चूज करें तो लाइट रेड हो जाए, सिमिलरली अगर एल चूज करें तो येलो हो जाए, सिमिलरली अगर उसको एच यूज करें तो यहाँ पर इस तरह से, और सिमिलरली अगर इसको जाके ठीक है, अब होगा क्या, अब इन सेल्स में जहां भी हम लेंगे पी, जहाँ भी लेंगे हम एस, जहाँ भी लेंगे हम एच, ऑटो फॉर्मेट इसके ऊपर अप्लाई होता रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात ये, या नहीं समझ में आई है, आपको बार बार फॉर्मेट चेंज करने की जरूरत नहीं। जब कभी भी आपको इस पे से फॉर्मेट खत्म करना होगा तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ जाके क्लियर रूल्स पे जाके क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स पे से खत्म कर देंगे, और अगर इंटायर शीट पे से खत्म करेंगे तो जहां जहां भी ये रूल्स लगे हुए होंगे सब जगह से खत्म हो जाएंगे। ओके, अब दूसरा हमारे पास रूल है यहाँ पर जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं नंबर्स के ऊपर। नंबर्स के लिए ये अप्रोप्राइट नहीं है शीट, तो मैं इसके लिए एक दूसरी शीट का इंतखाब करता हूँ जिसका नाम है रिजल्ट कंपाइल शीट। अब रिजल्ट कंपाइल शीट्स के ऊपर मैं इसको कैसे अप्लाई करना चाह रहा हूँ इसको देखिए। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और तीन क्राइटेरिया बनाता हूँ, कितने, बिलो 40, अबव 40 और अबव 70, तो उसको मैं कैसे करूँगा देखिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल, पहला रूल क्या था, बिलो 40 लेस देन 40 उनको किस कलर का कर दें, कस्टम फॉर्मेट उनकी सेल की वैल्यू जो है ये कर दें। वंस अगेन दूसरा रूल क्या था, अबव 40 उनको कैसा कर दें, उनको येलो कर दें। तीसरा रूल क्या था,
अबव 870 उनकी वैल्यू को क्या कर दें, ग्रीन कर दें। अब आप कहेंगे सर अबव 40 और अबव 70, तो जो वैल्यू अबव 70 होगी वो 40 से भी तो अबव है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो रूल है वो ये कहता है कि जो रूल आपने पहले लगाया और जो रूल उसके बाद लगाएंगे वो पहले वाले रूल को क्या करेगा, ओवरराइट करेगा। मतलब मैंने कहा कि शर्जील आप जो है लोगों को पानी पिलाएं, लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि अम्मार आप लोगों को पानी पिलाएं, तो जो शर्जील को मैंने ऑर्डर दिया था अम्मार उसके ऑर्डर को ओवरराइट करेगा, रिप्लेस कर देगा। हाँ ये हो सकता है, शर्जील आप 50 लोगों को पानी पिलाएं और एक जगह पे लोग मौजूद हैं 100, शर्जील को ऑर्डर दिया 50 लोगों को पानी पिलाएं और अम्मार को मैंने कहा है कि आप पानी पिलाएं, तो यहाँ पे कंडीशन शर्जील 50 तक ही पिलाएगा, लेकिन अम्मार जो है वो उन 50 को भी पिलाएगा और अगर उन्होंने पी लिया तो उनके आगे वालों को भी पिलाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिलो 40 पर आपकी जो सेल्स की वैल्यूज हैं वो आपके पास लाइट रेड हो रही है, अबव 40 में येलो हो रही है और अबव 70 में ग्रीन हो रही है। और ऐसा नहीं कि आप जब इसके अंदर वैल्यू को चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली वो इम्पैक्ट लेगा। 39 गॉन रेड, 69 येलो, 93। सही समझ में आ गई बात ये? ठीक है, ओके। अब डायरेक्टली भी कुछ चीजें अप्लाई की जा सकती हैं। लेट सपोज इसमें इन सेल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ऐसे अप्लाई किया जा सकता है कलर्स कॉम्बिनेशंस के ऊपर, जैसे कि ग्रीन। अब जिस सेल की वैल्यू सबसे ज्यादा है वो सेल ज्यादा ग्रीन है और जिस सेल की वैल्यू कम है वो लाइट कम ग्रीन है। इस तरह से यहाँ पे भी लगा जा सकता है इसको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कलर स्कीम्स या आइकॉनिक्स, जस्ट लाइक कोई भी आइकन लगा ले इसमें से, लाइक ये जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है उस पर फुल सिग्नल्स हैं और जिसकी वैल्यू कम है उस पर कम सिग्नल्स हैं। नहीं समझ में आ रहा? ये ऑटो सेट करता रहेगा, जैसे जैसे किसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, सपोज कभी 56, 76, तो देखिए उस पर सिग्नल्स भी ऐड होते जा रहे हैं, डार्क होता जा रहा है वो एरिया। ये किस लिए करते हैं? यूजर की अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए, यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने ऑब्जेक्ट को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर तरीके से विजिबल कराने के लिए, ताकि लोग उसको ज्यादा तरीके से समझ सके, विजुअलाइज कर सके। कलर्स जो होते हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और लोग उसको लाइक करते हैं। ठीक है,